देखिए, आप जानते हैं कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या चीजें फाइनल मोमेंट टच के तौर पे आपको कर डालनी है। तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर्स के अंदर जैसा कि हमें पता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड और विटामिन्स के बारे में पूछा जाता है। अब कुछ चीजें हैं जो इसमें बार बार रिपीट होती हैं और जो आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर और सुक्रोज, तीन स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। तीन स्ट्रक्चर आपने यहां से रटने हैं। इसके अलावा आपने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसैकेराइड पर्टिकुलरली इस डेफिनेशन को लर्न करना है। इसके अलावा सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, चार तरह का स्ट्रक्चर आपने सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, कितने तरह का है, क्या है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए के अंदर डिफरेंस, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये जानना चाहिए। अगर डीएनए रेप्लिकेशन कर सकते हैं तो जरूर करें। और यहीं पर आपने मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए के बारे में भी जानना है कि मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए का मीनिंग क्या है, किसे कहा जाता है, ये भी आपको आना चाहिए। और उसके बाद दो तरह की बॉन्डिंग है इस चैप्टर में, पेप्टाइड लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दोनों की डेफिनेशन लर्न करनी है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कार्बोहाइड्रेट के अंदर और ये प्रोटीन्स के अंदर। व्हाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर भी बना के आना है। जवाब होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनोमेरिक ओएच, एनोमेरिक ओएच ना हो पाने की वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग है। आपको यहाँ क्वेश्चन एक और अलग से तैयार करना है, व्हाट आर एनोमर्स एंड व्हाट आर एपिमर्स, एनोमर और एपिमर में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको याद करना चाहिए। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन किसे कहा जाता है, ये आना चाहिए। ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन में क्या डिफरेंस है, अल्फा स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। यहां पर आपको एक और चीज करनी है कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को कौन कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टेबलाइज करते हैं, जिसमें आएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड पोलर इंटरेक्शन, चार तरह के फोर्सेस यहां पर आपको जवाब में लिखने होंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज पानी में क्यों सॉल्युबल है, ये आपसे पूछ रहे थे, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जवाब है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से। ग्लूकोज की तीन रिएक्शन करनी है, ब्रोमीन वाटर के साथ, HI के साथ, HNO3 के साथ। फिर इस क्वेश्चन को जरूर करना है, गिव द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर, गिव दोज रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे कहा जाएगा, करना है। विटामिन में करना है, विटामिन ए और सी रेगुलर इनटेक क्यों जरूरी होती है, वाटर सॉल्युबल होते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, इसीलिए रेगुलर इनटेक जरूरी है। विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या बीमारी हो सकती है, ये आपको करना है। और अमीनो एसिड में आपने ज्विटराइन किसे कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसे कहते हैं, ये अच्छे से करना है। तो जो जो बातें मैंने यहां बताई, कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कुछ नहीं भी लिखे हुए थे जो मैंने वर्बली आपको बताए, ये बातें फाइनल टच के तौर पे, फाइनल मोमेंट के तौर पे बायोमोलिक्यूल में से आपको कर लेनी होगी। तो तैयारी करते रहिए और बायोमोलिक्यूल के चैप्टर का रिवीजन इन क्वेश्चन के थ्रू आपका हो जाना चाहिए।